हाय फ्रेंड्स, चेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कभी हमारे दिमाग में बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो वैसे नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारे कंप्यूटर को हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए काम आता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नहीं हमारा हार्डवेयर अकेला काम कर सकता है और न ही हमारा सॉफ्टवेयर अकेला काम कर सकता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम कंप्यूटर को अच्छे से और आसानी से यूज कर पाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यूज़र के लिए, मतलब जो उसका यूज़ करने वाला है, उसके लिए एक इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस कौन सा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरफेस दो टाइप के होते हैं, वो हमारे लिए या फिर यूजर के लिए, जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। चलो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका ये होता है हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर। जो हमारा हार्डवेयर और यूजर होता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इस डायग्राम को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया आपको कि हार्डवेयर, हर एक हार्डवेयर के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जितनी भी हमारी कंप्यूटर से डिवाइस कनेक्ट होती हैं या कंप्यूटर के जो अंदर जो भी डिवाइस लगी हुई है, इनपुट या आउटपुट, उनको मैनेज करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फिर उनके ऊपर कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के हिसाब से होते हैं, यूजर जैसा चाहे उनको उसी टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। वो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। और जो यूजर होता है, वो डायरेक्टली भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है, और वैसे ही हार्डवेयर होता है, उसको भी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली भी यूज करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके द्वारा भी यूज करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको भी यूजर डायरेक्टली भी यूज करता है, और इनडायरेक्टली मतलब बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी यूज कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। पर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जैसे कि जानते हैं, हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्क ड्राइव मतलब मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जो भी हम जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, कोई एप्लीकेशन कोई मॉनिटर हो गया हमारा, पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल या फिर पेरिफेरल डिवाइस। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, तो जिस तरह ह्यूमन बींग के अंदर सोल होती है, आत्मा होती है उसकी, उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और फंक्शन समझते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर को जैसे यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक से ज़्यादा भी काम करते हैं एक साथ। जैसे हम साथ साथ में सॉन्ग भी सुनते हैं, या फिर और हमारा कोई और भी काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही साथ एक से ज़्यादा काम करना। पेरिफेरल मैनेजमेंट का मतलब, जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। जो हमारे कंप्यूटर है, उसको सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर इट यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए जो इंटरफेस क्रिएट होता है, वो कौन क्रिएट करता है? वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यही क्रिएट करता है। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको भी मैनेज करता है। उसके अंदर रैम भी हो सकती है, और हमारी हार्ड ड्राइव की, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए आप कॉमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल चेस क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।